रोड प्रोजेक्ट्स अगेन यहाँ प्राइवेट कैपिटल की बात हो रही है मींस दी इन्वेस्टमेंट जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है जिसमें इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे थे एग्जाम्पल टोल ऑपरेट ट्रांसफॉर्म मोड था देन बीओ टी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफॉर्म मोड दे वर टेकिंग द लीड तो अब प्राइवेट कैपिटल आ जाएगा तो वी कैन सेक दिस वुड गिव दवर्नमेंट ऑफ फिस्कल स्पेस और उसको हम फिर आगे उस रिसोर्स को हम कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करके और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कैसे उसको रीयूटिलाइज करेंगे तो एक तरीके से ये इसका बेनिफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो सिंस 2014 वी हैव सीन कि प्राइवेट कैपिटल इट हैज़ स्टेड आउट ऑफ सच टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और एक और चीज़ इसमें यह है कि एसेट लाइबिलिटी मिसमैच भी हो जाता है बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं लॉन्ग जेस्टेशन टाइम पीरियड होता है इसमें सो so, देखा ये जाता है कि जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं उनको डाइवर्ट करके ऐसे लॉन्ग टर्म जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है उसकी वजह से एसेट लाइबिलिटी मिसमैच क्रिएट होता है तो डिफॉल्ट रिस्क इंक्रीज हो जाता है एंड देन अगेन ऐसी एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में सो so, यहाँ पे स्पेसिफिकली रोड प्रोजेक्ट्स के केस स्टडी लेके एक्सप्लेन किया गया है करोना अलाउ स्क्रीन शेयरिंग प्लीज अभी वहां से भी करके कर देखो ओके okay, करो ये एक्सप्लेन पहले आप एक सेकेंड hmm. आपने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन कर सो बैंक इट्स टारगेट्स करो दी सी डी रेशियो क्विकली सो यहाँ पे बात कर सकते सी डी रेशियो है क्या एंड and... इसमें बोल सकते हैं कि जो लिक्विडिटी रिस्क है क्योंकि सीडी रेशियो आप इंक्रीज करेंगे तो आप ये इंडिकेट करें कि हायर लार्जर पोर्शन ऑफ द बैंक्स फंड्स एंड जो टाइड अप लोन्स हैं तो यहां पे एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट डू वी मीन बाय सीडी रेशियो क्या है सीडी रेशियो में नहीं पता तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है एंड and... A few days back, हमने देखा था गवर्नर ने भी स्टेटमेंट दिया था की एक लिमिट के बियॉन्ड अगर हम देखते हैं डिपोजिट जो बैंक में आ रहे हैं उसका एक लिमिटेड मल्टीपल ही क्रेडिट बैंक क्रिएट कर सकते हैं उससे बियोन्ड वो नहीं जा सकते तो सिमिलर लाइन पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है एच डी एफ सी बैंक ने अगेन टू रिड्यूज रिस्क एंड टू मेन्टेन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो अपना जो जितना भी परसेंटेज क्रेडिट दे रहे हैं आउट ऑफ द डिपॉजिटर वो उस रेशियो को कम करने की बात करें सो दट अगेन दे आर ऑन द सेफर साइड सो पूरा यही है लोअर सी डी रेशियो एज क्विकली एज पॉसिबल एंड स्टिल में ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफिटेबल ग्रोथ And HDFC Bank is uh, the example of too big to fail institution in the banking industry in India. So, mm -hmm. mm -hmm. abhi, Governor Joe recently, or why we are seeing the decline in the, the demand deposits or the deposits in the bank because major diversion, or uh, we are seeing transition. Directly towards the capital market investments because people feel aap higher returns on in a shorter time period. But again, that is risky. Agar you are having half-knowledge, you're not having that that much of experience, you're not taking the adequate measures in order to reduce your risk. So short-term shift abhi ko milla, but longer term mein, again, we are expecting ki the money would again come back to the banks because comparatively to the investments in the capital market. बैंकिंग में जो आपके डिपॉजिट्स हैं या जैसे हम टाइम डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो दे आर मोर सेफर एंड स्टेबल आपको फिक्स्ड रिटर्न्स प्रॉमिस किए जाते हैं ओके टेक अप दिस वन जो है न्यू पीएमसी स्कूल्स तो स्कूल्स आर गोइंग बैक टू स्कूल सो यहाँ हम Uh, बात करते हैं जो कन्वेंशनल आइडिया कन्वेंशनल मॉडल ऑफ स्कूलिंग है सो so उस डायरेक्शन की बात की जा रही है तो पी एम श्री स्कूल सेक्टर सो टेकिंग एजुकेशन एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी दिस दिस इज वन ऑफ द एम्स ऑफ द प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया सो दे वुड बी की मॉडर्नाइज स्कूल ऑल्सो एंड जो कन्वेंशनल आइडिया है दैट वुड ऑल्सो बी प्रमोटेड So under the National Education Policy 2020, this is one of the, the measures under this, and so holistic development, blending of not just the, the academic areas, but even providing life skills, yeah, vocational education, un promote kiya under this, ensuring ki education is firstly it is available, it is affordable, accessible hai, and it is equitable also at the same time. So this would help the in reaching or in achieving the full potential of even demographic dividend. So the target is to set up 14,500 PMC schools by 2026 14 thousand five hundred. So promotion of stem activities would be there inclusion of technology, then inquiry driven exploration this is the keyword. Experiential learning and inquiry-driven exploration. Smart classrooms—they would be uh, the part of the model, and then mission life se connect. So, in a way, things would be more realistic, more practical. Practical learning and experiences would be taken care of. So, extra curricular activities, sports, arts, cultural programs—all of these would be a part. Emotional, physical, social well-being of the students.

तो यही हाउ वाला कवर कर रहा है स्किलिंग इम्पेरेटिव तो कैसे हम ब्रिज कर सकते हैं जो स्किल्स गैप है इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक ड्रिवन वर्ल्ड सो इन दिस केस वन इज इनेबल्ड दैट वी आर सींग सो अडोप्टिंग हाइब्रिड वर्क स्ट्रेटजीज तो इवन इन योर वर्किंग एनवायरमेंट आप कैसे चीजों को यूज कर रहे हो स्पेसिफिकली यहाँ टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो दैट वुड ऑल्सो हेल्प इन इन्हसिंग दी We can say the technology driven ya, fir, the technical know-how amongst even the younger employees and the more experienced and the senior employees, also. So here we can say key uh, cloud computing, cyber security, blockchains, ki, jitna working may include hoga, utna again results be and so learning specialist, machine learning specialist. They are topping the list of ten fastest growing jobs. So again, unka presence on and uh, Joey again workshops organized, important role hai. So another trend that is picking up Steam is incentivizing the employees to learn on the job so yeah yeah, learn on the job under the same roof so, differently experienced and talented employees would be working under the same rules csr enables skilling so through this joe funds hain, again uh, joe funds crunch or inadequacy of funds availability here currently in terms of ensuring the skills training so that can be addressed through the csr initiative so it needs to be centered on skilling and education to ensure empowerment so the funds can be diverted

So, these are two measures which article about. Okay. So, India is moving ahead with the vision of development and heritage. So, we are taking in a way an inclusive approach even towards the economic development. So, cultural significance, our traditional practices and conserving our heritage and taking the We can say, जो हमारा एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ कल्चरल नॉलेज है उसको प्रमोट करना फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने एन पी की बात करी थी तो कलेक्टिव अप्रोच इज दी कैन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन कमिंग इंडिया वेलफेयर the world heritage committee so there was this session in the national capital and it meets annually and is responsible for managing all the matters on world heritage site so which is declared by unesco so vikas B or virasat so 350 heritage items they have been brought back in recent times so this reflects the the this element of the emphasis and the importance that we assign to heritage in the indian culture and again a few days back we talked about the nomination of madams as the unesco popular world heritage list so this would be the most recent entry if it is approved and also why we emphasize so much upon the history, the heritage or the cultural ideas, that is because they are also having their application and their importance in all the other areas. So even in terms of historical experience, keeping that thing in our mind, policy formulations may or help us. We can get newer ideas if we delve into more of those themes. चाहे वो अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर सकते हैं वॉटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस की सो वी ऑफन टॉक अबाउट की जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे हम उनको अडोप्ट कर सकते हैं तो प्रोजुड्यूस फ्री न्यू कॉन्सेप्ट कैन बी वन ऑफ द एडवांटेजेस ब्रेन इन्फेक्शन We are seeing such cases are on the rise in the state of Kerala. So, meningoencephalitis, so this is, jo encephalitis hota hai, that means brain inflammation. So, the cases are being reported in uh, adolescents. So, guidelines jo hai, uh, amoeba parasite, to parasitic disease ho gaya. And this is the name of the organism. Vermamo amoeba vermiformis. So, free living amoeba, it is found in our natural environment. And it is a rare disease which impacts the central nervous system and it is fatal. Then, these free living amoebas, source kya hai? So, these are found in fresh water, in lakes, and in rivers. So, it is a brain eating amoeba. It can enter the body through the nasal channels and destroys the brain tissues. So here the challenge to underline ways in which hybrid culture is becoming embattled. This issue was ki UP government had directed all the shops. तो डिस्प्ले दे नेम जहाँ जहाँ पे कन्वर्ट यात्री जा रहे थे तो इट क्रिएट ए प्रॉब्लम कि कि कभी भी शॉप्स उनका टारगेटिंग होता है कि आप वहाँ से नहीं खाएंगे कैसा है तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया यूपी गवर्नमेंट और बाकी उत्तराखंड और एमपी को भी कि दे कैनॉट डू लाइक दिस बिकॉज इट है फंडामेंटल राइट ऑफ द शॉपकीपर कि उनको अगर देना है अगर नाम रखने नाम रख सकते नहीं रखने नहीं रख सकते लेकिन डिस्प्ले नहीं कर सकते आप जबरदस्ती नहीं सकते डिस्प्ले तो कन्वर राय कन्वरियर जो है दे हैव राइट टू नो वो तो है ही लेकिन साथ साथ वो नाम से नहीं पता लग सकते लेकिन डिस्प्ले ये होना चाहिए कि प्योर वेज है कि वेज है कि यहाँ पर वैसा लेकिन नाम से मतलब नहीं है ना नाम तो किसी से भी खा सकते हैं हाँ, तो, तो कन्वर्ट कन्वर्ट या, जो यात्री उनकी राइट्स हैं तो इवन जो शॉप ओनर्स हैं उनकी राइट्स भी है तो वो जो हम बोलते हैं कि अगर हमें उनकी राइट्स प्रोटेक्ट करनी है इंश्योर करनी है तो दैट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल्स राइट जो मेन इशू फूड हाँ वेज नॉन वेज जो मेथड है वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए यहाँ पर एक और एक आता है

प्रोडक्ट चॉइसेस तो ये सब जो हाइब्रिड कल्चर है इसके अंदर में को जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है इसके खिलाफ में बात उठाना चाहिए और सबको साथ में आकर के जो भी ऐसा काम करता है तो उसके अगेंस्ट में बोलना चाहिए ताकि ओवरऑल सबका ह्यूमन राइट्स और एक तरह से सोसाइटी के अंदर में वेलबींग well रहे और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट खुद ही अगर जैसे फूड फॉर हिंदूज और तरीके से इट कैन लीड टू बिगनिंग ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन सिचुएशन तो जो आपके अगेन जो ट्रेडिशनल बिलीव है उनको हैम्पर करने की बात नहीं कर रहे हैं बट दैट शुड बी डन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर कि आप रिलीजन को मत लेके आओ बीच में वाई भील प्रदेश डिमांड इज बैक इन राजस्थान तो भील रिसाइड्स बोथ इन राजस्थान महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश तो अगर देखा है गुजरात में भी दे डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम राजस्थान सेवन करोड़ है लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन मध्य प्रदेश में ट्वेंटी सिक्स लाख महाराष्ट्र तो वो बात करते हैं कि जो उनका लैंग्वेज अलग है जोग्राफी कल्चर डिफरेंट है तो अगर हर एक चारों स्टेट्स के से थोड़े थोड़े बाउंड्री हटा देंगे तो एक भील प्रदेश बन सकता है तो दे है डिमांडेड नॉट ओनली राइट नो दे हैव डिमांडेड बैक इन 1913 भील प्रदेश के और वहीं से डिमांड बढ़ते जा रहे अभी तक में दे हैव डिमांडेड फॉर सेपरेट स्टेट इन नाइनटीन तो इसी पर तो एक ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल है जो रीजनलिज्म ये एग्जाम्पल है विथ रिगार्डिंग टू ट्राइबल आइडेंटिटी और कैसे इसे प्रोडक्ट करें लेकिन साइड बाय साइड प्रोडक्ट करें लेकिन ओवरऑल क्या स्टेट क्रिएट करना जरूरी होता है तो सो फ्लड वार्निंग तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि वन ऑफ द बिल्स दैट वुड बी इट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंटेड इज रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट तो विद क्लाइमेट चेंज वी आर सीइंग कि फ्रीक्वेंसी एंड दी इंटेंसिटी बोथ आर इनक्रीजिंग एज फार एज ने फ्लड वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मेजर जो हम ले सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ द वॉटर लेवल इन दैम रिजर्व एंड सेफ्टी ऑफ डैम इंफ्रास्ट्रक्चर दैट नीड्स टू बी डॉन ऑन पीरियोडिक बेसिस इंडिया में देर आर थाउजेंड ऑफ डैम जो हंड्रेड ईयर ओल्ड है या उससे भी ज्यादा है

ग्राउंड में अंदर सीप नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से एक तो जो वाटर एक्विफायर या वाटर टेबल रिचार्ज वो नहीं हो पाता है एंड एट द सेम टाइम सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज सरफेस रन ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से सो वी कैन डग पिट्स या जैसे प्लेन्स uh, रीजन में वी कैन क्रिएट मोर रिवर स्ट्रीम्स जहाँ पे वॉटर कैन सीप एंड वी कैन ऑल्सो रिचार्ज ग्राउंड वाटर सो so, यहाँ पर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की भी बात की गई है बगीना ट्रेडिशन तो काबीनी वी आर सीइंग द वाटर आउटफ्लो काबिनी आई थिंक ये कर्नाटका की बात हो रही है हम्म hmm. So, incentivizing the states for agricultural reforms, government considers rupees 50,000 crores of scheme. So, this is uh, under the 15th Finance Commission's plan. And here we'll be seeing.

तो 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 पार्ट हो हो गया एंड उसके अलावा दिस बी टॉकिंग अबाउट दी फेडरलिज्म इसका एलिमेंट आ जाएगा सेक्टर so, रिलेटेड अभी तक में, बात, हो क्या के लिए बात हो रहा है क्या-क्या एक्ट तो दिया, दिया हुआ मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट सत्रह में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अठारह में लैंड लीजिंग सोलह में

ये हमने लिया था पहले भी कि कैसे इंडियंस को एक तरह से बताया जाता है कि आपको नौकरी मिलेगा आपको जॉब्स मिलेगा इन साउथ ईस्ट एशिया और आप वहां जाते हैं उसके बाद फिर यो पासपोर्ट एंड यो वीजा इज और उसको अपने पास रख लेते हैं और इवन अंडर द एजेंसी चाइनीज एजेंसी या जो इंडियन उनके अंदर हम आप साइबर फ्रॉड करते हैं इंडियन कंपनीज के अंदर विद द यूज ऑफ इंडियन सिम्स तो इसमें बात तो करते हैं कि साइबर स्लेव्स हो गए एक तरह से आप वापस घर भी नहीं आ सकते वहाँ काम भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है वीजा नहीं तो इंडियन इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन आई फोर सी वो हो गए हो गए आरबीए हो गए इंडिया में एम हो गए सबको एक साथ दे वर डिलीबरेटिंग विद द वियतनाम कंबोडिया एंड अदर कंट्रीज टू लोकेट सच ऑफ एक्टिविटीज इन दैट रीजन ताकि हम इंडियन को वापस ले आ सके तो एक साइबर स्लीव कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग स्टूडेंट बांग्लादेश क्यों हो रहा है ये तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट जॉब थे उसपे 56 परसेंट से ऊपर रिजर्वेशन था 30 परसेंट कोटा फ्रीडम फाइटर के लिए फ्रीडम फाइटर कौन 1971 में जो पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट द पाकिस्तान तो फ्रीडम फिर 5 परसेंट उसके अलावा बाकी और भी था 16 परसेंट सात परसेंट पांच परसेंट लिखना होगा उसमें एग्जैक्ट नीचे के रूप तो सब में इसका ओवरऑल परसेंटेज था तो इन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इफ दे आर इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन फ्रॉम टू तो फिफ्टी सिक्स परसेंट तो उससे मेरिट सिस्टम पर क्वेश्चन उठता है तो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल डिसीजन दिया कि आप इतने नहीं कर सकते कोटा बेस्ड सिस्टम आपको कम करना पड़ेगा तो ओवरऑल दे हैव रिड्यूस द कोटा तो आई थिंक सेवन के आसपास ला दिया उन्होंने And how this has impacted India-Bangladesh relations? So we have seen that our trade has been disrupted. trade and that is why we are seeing the disruption also because of the internal protest in Bangladesh. वो एक्सपोर्ट या टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट्स की जब हम बात करते हैं जो वन ऑफ द टॉप फाइव एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स है इंडिया में सो हेयर वी आर सीइंग की फर्स्टली जो नेचर जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट इज लेबर इंटेंसिव गारमेंट सेक्टर इज देयर एंड वी आर सी जो ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडिया के सेक्टर में दैट इज वेतनाम एंड बांग्लादेश सो आर ट्रेड हैज बीन डिक्लाइनिंग तो हाउ वी कैन फर्स्टली इंश्योर की आर टेक्सटाइल सेक्टर रिमेन्स कॉम्पिटेटिव द्वालिटी ऑफ द क्लोथ टेक्सटाइल दैट वी आर मेकिंग उसको हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और जो हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसमें भी हम कैसे कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं बिकॉज हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो अगेन हमारा रिच uh, कल्चर है उसको हमें ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करने की जरूरत है जो हमें एक तरीके से कंपेरेटिव एडवांटेज दे सकता है इस चीज में एंड बाकी वी लुक एट द डेटा तो इंडिया गार्मेंट एक्सपोर्ट्स इन टू था बिलियन डॉलर थर्टीन फोर्टीन तो मेजरली देर इज बी नो चेंज हालांकि थोड़ा डिक्लाइन हुआ है पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर का ओवर We can say last decade. So weights we are seeing uh, the rate of growth is eighty-two percent. Bangladesh has grown nearly seventy percent. So PLI yes. scheme is one thing that we are ensuring. That how we can improve kar sakte. Quality control orders are there, and fabric imports have also complicated the process of bringing in essential raw materials. Mm. एंड वी आर ऑल्सो सीन की uh, जैसे हम फूड अडल्ट्रेशन की बात करते हैं तो इन दिस की मोर यूज ऑफ सिंथेटिक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशियटिव तो कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स है हम उनको ईज कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है तो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हो गया नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हो गया या यहाँ पे भी वी कैन से कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं एंड तो इंडिया में वी आर सीइंग रेज्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग आर टेक्सटाइल इंपोर्ट्स तो इट हैज आल्सो इंक्रीस्ड इन 2023 टू अराउंड 9 बिलियन डॉलर्स तो इसमें भी क्या हम ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हम डायमंड इंडस्ट्री की बात करते हैं कि वी वी आर आर रफ डायमंड्स देम उनकी उनको डायमंड में कन्वर्ट करके तो जो वैल्यू एडेड है वो इंडिया का बेनिफिट है उसमें या इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है सो so क्या टेक्सटाइल सेक्टर में भी लॉन्ग टर्म में हम इसी मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं कि इम्पोर्ट करके रॉ मटीरियल जो भी हमें चाहिए उसमें वैल्यू एड करके वील बी री एक्सपोर्टिंग आपको इंपोर्ट करके वापस से एक्सपोर्ट कर सकता हूं हम्म वी कैन टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन ओके बाय